सुबह का नया व्यापार। एक जंगल में एक बतख रहती थी। वह जंगल में बाजार खोलकर पक्षियों के जरूरत सामान फूलों और मच्छियों को लाकर व्यापार करती थी। सस्ते दाम में ही अच्छे अच्छे जरूरत सामानों को बेचने पर बहुत दूर रहने वाले पक्षी भी बतख के पास ही खरीदते थे। इससे उधर आए हुए पक्षियों का वो बहुत ही अच्छे से प्यार से हालचाल पूछते थी। ऐसे उसके दुकान पे आने से बहुत सारे पक्षी उसके दोस्त बने और उसको नाम के साथ साथ पैसे भी मिले। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो भी उसके जरूरतमंद सामान बतख के पास ही खरीदता था। लेकिन उस कौवे को बतख के व्यापार को देख जलन हुई। किसी भी तरह उसके व्यापार नष्ट करने की सोच रहा था। उस कौवे को जंगल भर में दोस्त थे। उन दोस्तों का उपयोग करके वो भी बतख के जैसा ही व्यापार करके पैसे कमाने का उपाय सोची। कौवा उस जंगल में दुकान खोल रहा है करके अपने सारे दोस्तों को बताने लगा। बतख के दुकान के लिए मेहनत करके उतनी दूर जाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो जंगल के बीच में ही वो अपना नया दुकान खोलने वाली है करके ऐलान किया और अब से उसके पास ही जरूरतमंद सामान खरीदने के लिए बोला। कौवे के द्वारा खोली हुई नए बाजार में उसके सारे दोस्त आने लगे। ऐसे सारे पक्षी कौवे के पास ही खरीदने लगे और बतख का व्यापार कम हो गया। एक दिन मुर्गा बड़ी सी तेली लेके कौवे की दुकान में आया और बोला, कौवे मामू मुझे 2 किलो के दाने चाहिए, बोलकर पूछा। मुर्गी के मांग के मुताबिक ही कौवे ने दाना तोलकर दिया और बदले में पैसे मांगा। अच्छा पैसे वो तो दे दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मुर्गे ने बोला। दोस्ती के लिए कौवा मान गया। उसके जाने के तुरंत बाद तोता तेली लेकर दुकान पर उड़ती हुई आई। तोते के आने पर कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे मामू मुझे अमृत फल चाहिए, तोते ने बोला। कौवे ने उसे फल दिया, बाद में पैसे मांगे। वो तो बाद में ले लेना, फिर से नहीं आऊंगी क्या, बोला तोता। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर इस बार कबूतर वहाँ आई। कौवे मामू मुझे 1 किलो अनाज चाहिए, बोलकर अनाज लेकर पैसे होने पर दे दूंगी, बोलते हुए तेली लेकर उड़ गई। बाद में दुकान के पास बाज आकर खड़ा हो गया। बाज के आने पर कौवा खुशी से उबल गया और कहा, अरे बाय आ जाना, बोलकर प्यार से कौवे ने बुलाया। अरे चोडू मुझे मच्छी चाहिए, बाज ने गर्व से बोला। कौवा जल्दी से तेली भर मच्छियों को भर कर दिया और बदले में उससे पैसे मांगा। क्या पैसे, लेने का ही लेकिन देने की आदत नहीं रही मुझे छोटू, बोलते हुए तेली लेकर बाज उड़ गई। बाज के ऐसे करने पर कौवे को आंसू ही कम थे। ऐसे कौवे के पास के सारे सामान खत्म हो गए लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। जोर से मांग कर वसूल करना चाहता तो दोस्ती बीच में पड़ गई। थोड़े पैसों से व्यापार ना कर पाया और दुकान बंद हो गई। बतख के व्यापार के जलन से ही उसकी व्यापार टिक नहीं पाया करके जाना। उतना ही नहीं, दोस्ती के भरोसे व्यापार नहीं कर सकते। बतख के जैसे व्यापार करने से भी बड़ा दोस्ती होती है करके जान लिया। कौवे की अनोखी ख्वाहिश। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहा करती थी। वो बहुत लालची थी और सब कौवे अगर एक साथ सहमत होते तो वो हमेशा असहमति दिखाती थी। बाकी सब कौवे मिलजुल कर खाना तलाश करने एक दिशा में जाते तो वो दूसरे दिशा में जाती थी। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से वो कभी कभी खाना ना मिलने के कारण भूखी भी रह जाती थी, लेकिन वो कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती थी। इसकी वजह से दूसरे कौवे उससे कभी नहीं मिलते थे। एक दिन अकेले बैठकर ये कौवा बहुत भूख लगने के कारण यहाँ वहाँ भटकने लगी। रास्ते में एक नदी थी जिसे देखकर वो कहने लगी, इस नदी की मछलियाँ कुछ खास नहीं लग रही। इतना कहकर आगे निकल गई। रास्ते में उसे एक बहता हुआ पानी का नाला मिला। उसे देखकर वो कहने लगी,
यहाँ की मछलियाँ सुस्त लग रही हैं। अगर इन्हें खाऊंगी तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे निकल गई। आगे उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे पर बैठकर वो कहने लगी, मैंने सुना था कि यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो इन्हें खाकर देखते हैं। वो वहाँ खड़कर देखने लगी। उसके सामने से कई मछलियाँ जा रही थी। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मछली खाए। वो हर मछली को देखकर उन पे कुछ ना कुछ नाम रख रही थी। ये मछली बहुत छोटी है, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो कोई बड़ी मछली ही खाऊंगी। ये मछली काली है, ये गोरी है, ये पतली है, ये मोटी है, ऐसा करकर वो सब मछलियों को जाने दे रही थी। कोई मछली अच्छी ही नहीं लग रही थी उसे। कोई अच्छी मछली मिलने के लिए वो वहाँ एक पैर पर खड़ के जाप करने लगी। गर्मियों का मौसम था और मछली के इंतजार में दोपहर हो चुकी थी। पानी गर्म होने के कारण मछलियाँ तालाब के अंदर चली गई। वो वहाँ बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर कोई भी मछली बाहर नहीं आ रही थी। अपनी जिद में वो भूखी ही रह गई और वहां से निराश होकर वापस अपने घर आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी खाने को मिले हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जादुई सोने के सिक्कों का बक्सा। एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार था। वो हमेशा मेहनत करता था। शायद भगवान उसका इम्तिहान ले रहे थे। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो गांव में एक कनकैया नाम के आदमी से ब्याज पर कर्जा लेता था। कनकैया बहुत कंजूस था। जब भी वो किसी को कर्जा देता था तो उनसे 4-5 गुना ज्यादा ब्याज लेता था। एक दिन चंदू खेत में खड़ के सोच रहा था कि वो इस कर्जे से बाहर कैसे आए। कुछ देर बाद वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रार्थना करने के बाद जब वो काम करने जा रहा था तो उसके पैर को कुछ लगा। जब उसने उसे उठाया तो अचानक उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और उसने कहा, चंदू, ये एक जादुई बक्सा है। इसमें तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और जब जब तुम उस सिक्के को बाहर निकालोगे तो तुम्हें उस जगह पर दूसरा सिक्का मिलेगा। जितने सिक्के की जरूरत तुम्हें है उतने ले लो और फिर इस बक्से को तालाब में फेंक देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने बक्सा फेंकने से पहले सिक्के खर्च किए तो वो बक्सा और सारे सिक्के गायब हो जाएंगे। इतना कहकर वो देवी वहां से गायब हो गई। वो बक्सा लेकर घर वापस चला गया। बहुत जल्द ये बात फैल गई और कनकैया को इस बक्से के बारे में मालूम हो गया। कनकैया अब उस बक्से को हासिल करना चाहता था। वह चंदू के पास आया और कहने लगा, चंदू, ये बक्सा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। साहब, मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं है, आप मेरा पुराना कर्जा माफ कर दो और 500 सिक्के मुझे दे दो और इस बक्से को ले जाओ, मैं उन पैसों से खेती करके पैसे कमा लूंगा। तब कनकैया सोचने लगा कि 50,000 के बदले ये सिर्फ 500 सिक्के मांग रहा है, कितना बेवकूफ आदमी था वो। 500 सिक्के उसे देकर कनकैया वो बक्सा ले जाना चाहता था। जैसे ही बक्सा कनकैया को दे दिया, चंदू ने देवी की सारी बातें उसे सुना दी। कनकैया खुशी खुशी बक्से को लेकर घर वापस आया और सारी रात बिना कुछ खाए पिए बिना वक्त गवाए एक एक करके सोने के सिक्के निकालता गया और 10 बोरियां भरने के बाद भी उसका लालच नहीं गया। वो अपने घर भर के सिक्कों की बोरियां चाहता था। कुछ दिन हो गए और बिना आराम किए खाना खाए वो सोने के सिक्के जमा कर रहा था और बीमार हो गया।
बीमारी के चक्कर में वो चंदू की बातें भूल गया और कुछ सिक्के अपने इलाज के लिए खर्च करने लगा। कुछ देर बाद जैसा देवी ने कहा वो बक्सा और सारे सोने के सिक्के गायब हो गए। इस चिंता में वो और बीमार हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।